हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट फोर क्लास फिफ्थ, दिस इज़ योर फोर्थ लेक्चर ऑफ इलेवन चैप्टर ऑफ इंग्लिश फर्स्ट। ओके, दिस वॉज वन ऑफ द बिग यंग मैन, मतलब तो वो अपनी बेटी को बताता है कि एक नवयुवक मेरे पास आया था। आई हैड लेंड मनी टू, जिसको मैंने क्या किया था, कर्ज दिया था। ही हैज़ लॉस्ट ऑल द मनी एंड एक्सेप्ट मी टू लीड हिम मोर, और उसने सारा पैसा अपना क्या डुबो दिया और अब वो मुझे एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं उसे और मनी दूँ। आई स्टार्टेड माई बिजनेस विद नथिंग, जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था मेरे पास कुछ भी नहीं था। डॉटर, बेटा, आई बिल्ड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच टू स्क्रैच, मैंने सब कुछ अपनी मेहनत से कमाया है। सो आई हैव दोज हु सो प्रॉमिस सो दे डोंट हैव टू स्ट्रगल द वे आई डिड। सो मैं इसलिए उन लोगों की हेल्प करता हूँ जो मुझसे प्रॉमिस करते हैं, मतलब कि मैंने मतलब जो कि मतलब उन्हें लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा जितना कि मैंने किया। इसलिए मैं लोगों की हेल्प करता हूँ क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है। बट मनी मेक दैम लूज देयर हेड एंड दे बिगेन टू स्कैंडर इट। स्कैंडर मीन्स क्या होता है, वेस्ट मनी और टाइम। बट मनी क्या है, इंसान कैसा बना देती है, बट जो लोग आते हैं वो कैसा मनी को वेस्ट कर और अपने टाइम को वेस्ट कर देते हैं। ओके, ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों ओर देखा। देन कंटिन्यू, फिर वो कंटिन्यू, लुक एट द डेड रैट, उस मरे हुए चूहे को देखो। विद द राइट स्किल ए मैन मे बिल्ड ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन फ्रॉम दैट, उस मरे हुए चूहे को देखो। एक बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो मरे हुए इससे भी अपने बिजनेस को सेटअप कर सके। ओके, सोम दत्त हैड बीन लिसनिंग इंटेंटली विद अटेंशन, सोम दत्त इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुन रहा था। नाउ ही स्टीप्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड द कर्टन, अब उसने एक कदम अपना आगे निकाला और कर्टन के पीछे जो कि छुपा हुआ था, एंड एड्रेस्ड वेद प्रकाश, और वेद प्रकाश के सामने आ गया। ही वॉट एंड सैड, उसने सर झुकाया और कहा, सर पार्डन मी फॉर स्टैंडिंग हियर एंड वॉचिंग द गोइंग्स ऑन, सर मुझे क्षमा कर दीजिए कि मैं यहाँ पे खड़ा था और आप ये सब देख रहा था। विद योर परमिशन, कि अगर आपकी परमिशन, आई विल नाउ टेक दिस डैट रैट एज ए लोन, मैं इस मरे हुए चूहे को एक लोन के रूप में ले सकता हूँ। विद वॉट आई हैव लर्न फ्रॉम यू, जैसा कि आपने अभी सिखाया है, इट विल सेट अप बिजनेस एंड वन डे रिपे यू, कि एक बुद्धिमान व्यक्ति भी वो होता है जो मरे हुए इससे भी अपना बिजनेस सेटअप कर सकता है, और एक दिन मैं आपको इसका मतलब जो लोन ले रहा हूँ उसको मैं वापस कर दूंगा। विद एनोदर वो, फिर उसने वो झुका, सोमदत्त लेफ्ट और वो चला गया। फादर एंड डॉटर वर डम्प स्टक, मीन्स हो गए भौचक्के रह गए देखते हुए। फॉर ईयर दे हैड सीन यंग मैन बैग और वीडल फॉर लोन, मीन्स होता है से नाइस थिंग यू डोंट मीन ए गॉट समथिंग, मतलब इतने सालों में पहली बार कोई नवयुवक आया है जिससे लोन के रूप में कुछ भी मतलब मुझसे वो नहीं चाहिए था। एंड हियर वॉज ए मैन हु वॉज टेकिंग अवे ए डेड रैट एंड काउंटिंग इट एज लोन, और वह व्यक्ति उस मरे हुए चूहे को लेकर चला गया और उसकी काउंटिंग करने लगा, एक लोन के रूप में उसकी काउंटिंग करने लगा। ओके, अनअवेयर ऑफ द इम्प्रेशन ही हैड मेड, उसके जो इम्प्रेशन ने उसको कैसा कर दिया था, अनअवेयर कर दिया था। सोमदत्त मेड इज देयर बिजी मार्केट, सोमदत्त कहाँ गया, बिजी मार्केट में, इन द हबब, हबब मीन्स होता द साउंड ऑफ मैनी पीपल टेकिंग लाउडली एट द सेम टाइम, जहाँ पे सभी लोग, जैसे बाजार नहीं होता है सभी लोग एक ही समय में बहुत तेज तेज से आवाज़ें लगाते हैं ना, सा ये सामान ले लो, वो सामान ले लो। कॉल्ड आउट यंग मैन डोंट थ्रो अवे द रैट, एक उसके सामने एक किसी ने उसको पुकारा कि नौजवान इस चूहे को मत फेंकना, ब्रिंग इट हियर, इसे मेरे पास लाओ। सीइंग द सरप्राइज लुक और सोमदत्त फेस, सीइंग द सरप्राइज लुक कौन, सोमदत्त, उसने सरप्राइज होकर सोमदत्त को फेस को देखा। द मैन एक्सप्लेन, मैन ने एक्सप्लेन किया, ऑन ऑफ माई कैट इज ओल्ड एंड कैन नॉट कैच माइस, माइस मीन चूहा, मेरी जो बिल्ली है वो बूढ़ी, मतलब वो बूढ़ी हो चुकी है और वो अब चूहे को नहीं पकड़ सकती है। आई टिल रिलीज दिस ट्रीट, और मैं उसको ये दूंगा, हेयर टेक दिस बैग ऑफ बेंगल ग्राम इन रिटर्न, और ये मुझे आप एक बैग में डाल के दे दो, जब मैं ये उसको दूंगा तो ये बहुत खुश हो जाएगी। सोमदत्त थैंक एंड मैन, सोमदत्त थैंक द मैन, सोमदत्त ने उस आदमी का धन्यवाद किया एंड वेंट होम, और अपने घर चला गया। आपका लेक्चर 4 यहीं पर कम्प्लीट होता है। थैंक यू क्लास।